शांतिपुर नाम के गांव में चिंटू एक दिन पिंटू से मिलने के लिए जाने लगा। क्या हाल मेरे दोस्त चिंटू? तबो दोनों एक दूसरे से ऐसे बातें करे जा रहे थे, तभी उनकी तरफ एक गाड़ी काफी तेजी से आने लगी और उनके पास आकर रुक गई। क्या हाल चल रहा है चिंटू पिंटू? तब उस गांव के पास जो जंगल था, उस जंगल में अफरा तफरी मची थी। वहां पर कुछ जानवरों के शरीर से खून निकल रहा था, तो कुछ जानवर जलकर तड़प तड़प कर मरे थे। उसी गांव से जंगल में क्या हो रहा है इसकी छानबीन करने के लिए दो रोबोट आ गए और वो यहाँ वहाँ जांच करने लगे। उनमें से एक ट्रैक्टर रोबोट था तो दूसरा टैंक रोबोट। जब उन रोबोट ने वहाँ का नजारा देखा तो वो दोनों पर आखिर यह सब किसने किया। तभी वहाँ पर झाड़ियों को चीरते रोबोट ने उन पर हमला कर दिया। तब वहाँ पर उन दोनों रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट और टैंक रोबोट को नीचे गिरा दिया। सर, हमने उन दोनों रोबोट को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों कभी किसी के पकड़ में नहीं आ पाओगे? तब जीप में जो आदमी था उसने चिंटू पिंटू को बंदूक के नोक पर एक जगह पर लाया था। यह जगह पूरी तरह से पानी से घिरी थी, इसलिए भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अंकल, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे जैसे गरीब बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ बच्चों, तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, अब तक हमारे रोबोट क्यों नहीं आए? तुम्हारे वो दोनों रोबोट भी मेरे कब्जे में, मेरे जो और दो रोबोट है उन्होंने पुराना ट्रैक्टर रोबोट और टैंक रोबोट को अपने कब्जे में कर लिया है। अंकल अब तो हम मरने वाले, तो आपको यहाँ जिसने भेजा उसका नाम तो बता दीजिए। देख लड़के, मैं अपने मालिक का नाम तो नहीं बता सकता, मैं काम करता हूँ गैर कानून लेकिन पूरी ईमानदारी से। लेकिन अंकल अब तो हम मरने वाले, एक बार बता दीजिए। बहुत हो गया अब तुम्हारा, रोबोट खत्म कर दो इन दोनों को। तब वो रोबोट उन दोनों पर फायर करने लगा। अरे नहीं अब तो हम काम से चले गए। लेकिन तभी वहाँ पर चिंटू का रोबोट आ जाता है। अपने रोबोट को देखकर चिंटू पिंटू पहाड़ी से कूद जाते हैं। अरे नहीं, ये दोनों रोबोट आखिर कैसे बच गए? तो दोस्तों चलते कुछ देर पहले जब चिंटू पिंटू के रोबोट नीचे गिर गए थे, तब कुछ समय के बाद चिंटू का रोबोट खड़ा हो गया और उन दोनों रोबोट पर हमला करने लगा। इस बार चिंटू के रोबोट ने उन दोनों रोबोट को नीचे गिरा दिया और तभी वहां पर उन दोनों में से एक रोबोट चिंटू पिंटू के पीछे जाने लगा। लेकिन पिंटू का रोबोट वहां काफी तेजी से उन दोनों पर हमला करने लगा। अरे नहीं अब मेरा क्या होगा? तुम सिर्फ अपने बॉस का नाम बता दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मैं मेरे बॉस का नाम नहीं बता सकता। अगर मैंने यह अपने बॉस का नाम बता दिया तो वहां मेरी फैमिली मर जाएगी। लगता है मिशन फेल हो गया सर। तो चलो यहां से पहले। देखो हमें पहले से ही पता चल गया गांव में कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। गांव में काफ़ी नए लोग दिख रहे थे इसलिए हम पहले से ही सतर्क हो गए थे। हमें सिर्फ तुम्हारे बॉस का नाम जानना था इसलिए हम इतने देर से नाटक कर रहे थे। तू जल्दी से अपने बॉस का नाम बता दो। मैं नहीं बता सकता, चाहे तो मुझे मार डालो। तब कुछ देर बाद चिंटू पिंटू ने गाँव में पुलिस वालों को बुला लिया और उस आदमी को पुलिस वालों को सौंप दिया। या दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन चिंटू पिंटू की तरफ आने लगा। आज फिर से चिंटू पिंटू तुम दोनों की वजह से भयानक संकट गांव से टल गया। लेकिन अंकल ये सब गुंडे जो हमें मारने के लिए भेज रहे हैं हमें उसके बारे में फिर से पता नहीं चला। चिंटू यहाँ पर सबको सोने चांदी की लालच पड़ी इसलिए तुम दोनों पर हमले होते जा रहे। कोई नहीं अंकल, सिर्फ इतने साल, अगले साल सरकार यहाँ माइनिंग करने वाले हैं तब वो सारा सोना अच्छे हाथों में चला जाएगा। चिंटू तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर कोई बुरा करता है तो उसका कभी ना कभी बुरा होता ही है लेकिन हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हाँ अंकल, मैं ये बात आपकी हमेशा याद रखूंगा। तो वो बिजनेसमैन वहां से जाने लगा। शुक्र है भगवान आपने मेरे पोतों की रक्षा की, अभी तो खेल शुरू हुआ है चिंटू पिंटू। दोस्तों अभी तक आपको कहानी के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहे, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। और इसे कहानी बनाने में काफी मेहनत चली जाती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाखों हजारों साल पहले इस जगह पर कोई गांव नहीं था, ना तो सिर्फ एक घना जंगल।
तब अंतरिक्ष से काफी सारे सोने के एस्टर इस जगह पर गिरने लगे, जिस कारण से यहाँ काफी सारे सोने के एस्टर इकट्ठा हो गए। लाखों हजारों साल बीतने लगे, जिस कारण से यह एस्टर अब धरती के अंदर समाने लगे। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता लगा कि इस जमीन के नीचे काफी सारे सोने, तब लोग इस सोने को पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। एक दिन चिंटू पिंटू एक दूसरे से बात कर रहे थे। चिंटू आज क्या करे, कोई प्लान है क्या तेरे पास? नहीं यार चिंटू, आज तो मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर चिंटू को रोबोट कुछ कहने लगा। सर, मुझे हमारे यहाँ के जो बर्फीला पहाड़ है वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सिग्नल्स आ रहे हैं। चिंटू मैं उस जगह की जांच करके आता हूँ। ठीक है यार चले जाना, लेकिन संभाल के, अगर कोई मुसीबत आ गई तो मुझे जरूर बताना। तो वो दोनों वहाँ से जाने लगे। पिंटू को वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद चिंटू और चिंटू के रोबोट को वहाँ पर तीन रोबोट ने घेर लिया। अब चिंटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये तीन रोबोट कौन थे और ये यहाँ क्यों आए थे। यहाँ दूसरी तरफ पिंटू अपने रोबोट को लेकर उस जगह पर आ गया था जहाँ से रेडिएशन के सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन उसे उस जगह पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर जिसने चिंटू पिंटू को किडनैप किया था वो आदमी वहाँ अपना एक रोबोट लेकर आ गया। आखिरकार फंसी गए तुम जाल में। एक ऐसा ट्रैप है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा रोबोट मेरे पीछे है, चाहे तो मैं चिंटू को भी बुला सकता हूँ। अगर चाहे तो तुम चिंटू को बुला सकते हो, तुम यहाँ अकेले खड़े हो, वहाँ चिंटू पर मेरे तीन रोबोट्स ने हमला कर दिया है, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं, अब क्या करोगे तुम? अरे नहीं, चिंटू पर तीन रोबोट्स ने हमला कर दिया है। क्यों बच्चे, निकल गई सारी हवा? नहीं, मैं लड़ूंगा आखिरी सांस तक। यार दूसरी तरफ चिंटू का हाल बेहाल हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी चिंटू के रोबोट ने अपनी पूरी ताकत उन तीनों रोबोट पर हमला कर दिया और एक एक करके तीनों रोबोट को मारने लगा। अरे वाह, रोबोट ने इन सबको तो काफी जल्दी मार दिया, लेकिन अब चिंटू खतरे में होगा, हमें इन दोनों को जाकर उसे बचाना होगा। तभी यहाँ पर उन दोनों रोबोट की फाइट शुरू हो गई। तभी वहाँ पर उस रोबोट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंटू के रोबोट पर हमला कर दिया, जिससे पिंटू का रोबोट नीचे गिर गया और तभी वहाँ पर चिंटू का रोबोट आ गया। तो तुम बच गए हमारे रोबोट के अटैक से, लेकिन अब नहीं बचोगे। पिंटू के रोबोट के अंदर जितने भी पावर थे उसने अपनी पूरी पावर लगाकर उस रोबोट को मार गिराया। कुछ देर बाद चिंटू पिंटू ने उसे अपने घुटनों पर बैठा दिया। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछूंगा, बता दो तुम्हारा बॉस कौन है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। देखिए अंकल, मैं आपके परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना ही आपको जेल जाने दूंगा। इससे पहले आपने कोई क्राइम भी नहीं किया, तो प्लीज आप हमें उसका नाम बता दीजिए। तब वो आदमी चिंटू पिंटू की बातें सुनकर सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद वो आदमी कहने लगा, देखो चिंटू पिंटू, मैं तुम्हें उस आदमी का नाम तो बता दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप हम पर भरोसा रखें, मैं आपके परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसका नाम सुनकर शायद तुम्हें भरोसा भी ना हो, लेकिन वो सबसे हरामी और लालची आदमी है। वो आदमी तुम्हारे गांव का अशोक बिजनेसमैन है। अरे नहीं, इतना बड़ा धोखा। या दूसरी तरफ गांव में अशोक थोड़ा पैसा खर्च कर कुछ राशन ले आता है और गाँव के घर में बांट देता है गाँव वालों का भरोसा जीतने के लिए। और तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू आ जाते है। गाँव वालों, इस आदमी का भरोसा मत करना, यही इस गाँव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे यार अशोक जी, चिंटू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे यार चिंटू, तुम ये क्या बोल रहे हो? अशोक, अब वो तो कह तेरा ये अच्छा बनने का नाटक, कितने दिनों तक अब गांव वालों को फंसाएगा? मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया चिंटू, लेकिन तुम यह बात किसी और को नहीं बता पाओगे। जाओ रोबोट, हमला करो। तब वहां पर उन चारों रोबोट में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। अब क्या होगा तेरा? तो पुलिस वाले अशोक बिजनेसमैन को एक जेल में ले जाने लगे।